ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲਿਪਰੀ ਭਾਈ, ਬਾਈਕ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਗਾਇਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਜੀ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਹਮ ਕੇ ਲੀਜੀਏ, ਪਾਣੀ ਪੀਜੀਏ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਗਾਇਜ਼ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਹਮੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੈਟਰੋਲ। ਇਟਸ ਅ ਡੇ 6, ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਡੇ ਇਨ ਆਵਰ ਲੇ ਸਿਟੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਮਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਹਮਨੇ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮਨੇ ਕਵਰ ਕੀਆ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਗੇ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੈਂਗੋਂਗ ਕੀ ਤਰਫ। ਅਭੀ ਹਮ ਹੈ ਕਾਰੂ ਮੇਂ, ਡਰਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਬਾਈਕਸ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਿਡ ਹੈ ਲਗੇਜ ਕੇ ਸਾਥ। ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਸ਼ਰਸ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੀ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਲਪ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਰਾਤ ਕੋ ਰਾਈਡਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਕੁਛ ਐਸੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬਾਈਕਸ। ਅਭੀ ਹਮ ਆਏ ਹੈ ਕਾਰੂ ਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਦੇਖੋ ਯਹਾਂ ਹਮੇਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੈਟਰੋਲ ਫੋਰ ਆਵਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੀਸਟ। ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਪੈਂਗੋਂਗ। ਪੈਂਗੋਂਗ ਕੇ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਆਤਾ ਹੈ ਕਾਰੂ। ਕਾਰੂ ਮੇਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਟੈਂਕਸ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਂਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ, ਵੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਮੇਂ ਆਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਗੋਂਗ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਕਹੀਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਤਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੀਜੀਏ। ਬਾਕੀ ਆਗੇ ਜੋ ਹਮੇਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੇ ਚਾਂਗਲਾ ਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਹੋਈ ਪੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਭੀ ਗਾਇਜ਼ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਚਲਤਾ ਹਮਾਰਾ ਸਫ਼ਰ। ਅਭੀ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 8:30 ਔਰ ਹਮਨੇ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਥੀ 6:40 ਪੇ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸਟੇਟ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਪੈਂਗੋਂਗ। ਗਾਇਜ਼ ਹਮੇਂ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाइक का जो फ़ैन है, रेडिएटर फ़ैन, वो कंटिन्यूस ऑन है क्योंकि रेडिएटर चॉक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि राइडर वेट कर रहे हैं। सो बात ऐसी है कि जो उनके पीछे बैठा हुआ था उसको उतार के ही बाइक आगे आई है, क्योंकि बाइक चल नहीं रहा, बाइक ज़ोर बहुत ज़्यादा ले रहा है। सो गाइस यहाँ पे आप देख चुके हैं जो कारू की जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा। एक मेरे भाई को सांस लेने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उनको हम के लीजिए, पानी पीजिए। यहाँ पे गाइस सांस लेने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कम मात्रा होने के कारण बाइक्स बिल्कुल नहीं चल रही,
क्योंकि आप देख सकते हैं सामने आशीष भाई नीचे 1 किलोमीटर से पैदल ही आ रहे हैं, क्योंकि साहिल भाई का बाइक हो चुका है ख़राब, ओवरहीट होने की वजह से वो लोड नहीं उठा पा रहा। यहाँ पर ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है इस समय, क्योंकि बाइक फर्स्ट गियर से आगे चल भी नहीं पा रहा, रास्ता बहुत ख़राब है, ऑक्सीजन बहुत कम है। तो फाइनली गाइस बहुत ही ज़्यादा टफ एरिया था तो वो क्रॉस हो चुका है। हम अब थोड़ी सी अच्छी रोड पे आ गए हैं, हाँ रास्ता ही है 10 मिनट का, अगर हम कंटिन्यू करते पर चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा थी तो इसलिए हमें इतने से रास्ते गए। आई थिंक तो ये होगा 2 किलोमीटर का रास्ता होगा, हमें हाथ है ना लग गया ये क्रॉस करते हुए। नीचे एरल टाइट मिल जाएगी ना, वो जुगाड़ हो जाए बस, एरल टाइट लगा देंगे इस पे, तब तक सूख जाएगी। खराब रास्ता जो है वही है और चेन भी बहुत ढीली पड़ी है। हां ढीली पड़ी है, हां करनी है ये। ये तो सर जमीन ऊपर तो जमीन लग रही है। ऊपर भाई जी कह रहे हैं बहुत स्लिपरी है भाई, बाइक डिग गया, स्लिप हो गया ता ही टूटा। अच्छा बहुत बुरा गाइस ऊपर है ध्यान के, ऊपर स्लिपरी बहुत ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखियो। बहुत स्लिपरी है भाई, इतना बहुत अपना साला दस्ते ही हो जियो। हां मतलब जे तुसी आइस ते पै गए ना तो एकदम चक्कर नहीं, तो बिल्कुल कोशिश ना करना। अच्छा जी बिल्कुल भी, क्योंकि गड्डी भी भारी है, सामान भी है, थल्ले ही डिगेगी वो। मेरी तो कुछ ज्यादा ही भारी है यार, लत्ता च जान चाहिदी है, वो साडे वास्ती है नहीं क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है। एक गल थोड़ी 100 रुपए दी है, ठीक है भाई कोई ओहो ना दो डेंजर है ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੱਢ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦੇ। गाइस बहुत ही हल्की स्नो शुरू हो चुकी है, बहुत
बहुत हल्की स्नो शुरू हो चुकी है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं इधर भी बहुत ही ज़्यादा स्नो है और सच में बाइकिंग इतनी मुश्किल हो चुकी है यहाँ आके। चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ेगी भाई। बाइक यहाँ 10 और 15 की स्पीड से ऊपर बिल्कुल नहीं चल पा रहा क्योंकि जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं। काफी पानी पीना पड़ता है। बात तो है भाई, यहाँ आके आपको ज़िंदगी का एक बहुत ही अलग सी फील आती है। दुनिया से बहुत दूर, घर वालों से बहुत दूर, घर वालों की याद तो बहुत आती है। और इतनी दूर आके अगर आपको अपने भाई मिल जाते हैं, जैसे कि मुझे कल ये मार्केट में, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में कि मुझे अभी आहूजा मिला था, ही इज़ माई जिम पार्टनर, और आज मुझे मिला मेरे भाई फरीदकोट से, तो बहुत ही अपना सा फील होता है। तो भाई कह रहे थे कि मैं कल से तुम्हें देखने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी पूछ रही थी भाई, देखती है जाकर चांगला पास आ चुका है फाइनली। आप देख सकते हैं कावासाकी, वी आर फाइनली रीच चांगला पास, और ये है चांगला बाबा।
का मंदिर, चारों तरफ बहुत ही ज्यादा बर्फबारी है। चांग लगा ले करना ना, सोचने के लिए बहुत दम चाहिए, बहुत दम चाहिए।